नमस्कार। क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं के शेखर। आज का टॉपिक है भक्ति सूफी ट्रेडिशन अप्रॉक्सीमेटली 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी पार्ट टू। इसी लेसन के पार्ट वन में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, विशेषकर अलवार, नयनार और वीर साइबर ट्रेडिशंस के बारे में पिछले भाग में पढ़े थे। आज के इस भाग में मुख्य रूप से वीर साइबर ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन और सूफिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए पाठ का शुरुआत करते हैं। वीर साइबर ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका। 12वीं सदी में कर्नाटक में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको जो है वीर साइबर ट्रेडिशन कहते हैं। इसके संस्थापक जो थे बासवन्ना थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, वो चालुक्य के दरबार में मंत्री थे, जो उनके जो फॉलोवर्स थे उनको वीर साइब यानी शिव के वीर या फिर लिंगायत ये लिंग धारण करने वाला कहा जाता है। जो लिंगायत के जो अनुयायियों ने बहुत सुंदर जो वचनाओं का जो रचना की, जो हमारे लिए स्रोत का काम करते हैं। आज भी कर्नाटक में विशेषकर जो वीर साइब ट्रेडिशन जो है एक प्रमुख लोकप्रिय परंपरा है। ये लोग जो हैं शिव की आराधना करते हैं। शिव की आराधना जो है लिंग के रूप में करते हैं। ये लिंग को एक छोटे चांदी के पिटारे में धारण कर उसको जो है बाएं कंधे पर धारण करते हैं। जो लिंगायत जो हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। वो उनका मानना ये है कि जो मृत्यु के बाद वो शिव में लीन हो जाते हैं। लिंगायत जो है उन परंपराओं को नहीं मानते जो तर्क संगत नहीं। अब आप हम आते हैं वीर साइब और कास्ट सिस्टम। लिंगायत जो है वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, वो कास्ट सिस्टम की आलोचना करते हैं। वे ब्राह्मणों के जो प्रभुत्व को भी स्वीकार नहीं करते। वो जो है ब्राह्मणों के ये विचार कि कुछ लोग श्रेष्ठ हैं और कुछ लोग दूषित हैं, इससे भी स्वीकार नहीं करते। जो ब्राह्मण परंपरा में जो लोग बहुत ही गौण स्तर पर थे, जब निचले स्तर पर थे, वो सब लिंगायत में शामिल होने लगे। लिंगायत जो है उन परंपराओं को जो है नहीं मानते जो परंपराएं तर्क संगत नहीं हैं। और जो जिन परंपराओं को ब्राह्मणों ने विरोध किया उन परंपराओं की स्कृति जो है लिंगायतों ने दी। उदाहरण के लिए विधवा पुनर्विवाह, यहाँ पर बासवन्ना का एक जो कंपोजिशन जो दिया गया है, उनको द्वारा जो कंपोज किया गया एक रचना वचना दी गई है। व्हेन दे सी ए सर्पेंट कर्व्ड इन स्टोन दे पोर मिल्क ऑन इट, इफ ए रियल सर्पेंट कम्स दे से किल टू सर्वेंट ऑफ द गॉड हु कुड eat if served they say go away but to the image of god which cannot eat they offer dishes of food। yahan par basvanna ek anusthanik kriyaon par jo hai vyang karte hain। ve kehte hain jab patthar ke bane sarp ko dekhte hain to wo doodh chadhate hain।
जब असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। इसी प्रकार जो ईश्वर का जो सेवक है जिसको परोसने पर खा सकता है उसे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, किंतु जो ईश्वर की मूर्ति जो खा नहीं सकती उसे जो है भोजन परोसते हैं। इस प्रकार बासवन्ना जो है तर्कहीन जो अनुष्ठानों का विरोध करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे जो है नेक्स्ट जो आपको रिलीजियस फर्वेंट इन नॉर्थ इंडिया, रिलीजियस फर्वेंट इन नॉर्थ इंडिया। आठवीं से लेकर 14वीं शताब्दी का समय जो है उत्तरी भारत में जो है धार्मिक उथल पुथल का समय रहा है। इस समय जो है शिव और विष्णु की जो पूजा की जाती थी, मान उनके देवालय भी बनाए जाते थे, किंतु जिस प्रकार दक्षिण भारत में जो एक आंदोलन हुआ और रचनाएं बनी, उस तरह का कोई जो सबूत जो है उत्तर भारत में नहीं मिलते। ये जो 14वीं से लेकर 14वीं शताब्दी का जो समय है इसमें उत्तर भारत में राजपूतों का प्रभाव था। राजपूत में जो है ब्राह्मणों का स्थान बहुत ऊंचा था, वही जो है एक और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करते थे। इस कारण इनको चुनौती देने के लिए किसी में साहस नहीं था। हालांकि इस समय नाथ आपका सिद्ध और जोगी जो समुदाय थे बहुत प्रभावशाली थे। इनमें ऐसे नेता भी थे जो आपके जो रूढ़िवादी विचार के सांचे से बाहर थे। ये खासकर जुलाहे थे और शिल्पकार थे और व्यापारी थे। इनका इस तरह व्यापार का विकास हुआ और मध्य एशिया से भी संपर्क हुआ। और लेकिन इसी दौरान जो है भारत में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ कि राजपूतों के स्थान पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत के स्थापना के साथ ही जो राजपूतों का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा और इसके साथ ही ब्राह्मणों का जो प्रभाव भी घटने लगा, उनकी प्रभाव भी कम होने लगा। जो इस्लामिक जो जगत की जो हमें जानकारियां हैं स्रोत हैं वो कुरान शरीफ से प्राप्त होती है। आपके जो स्क्रीन पर एक जो है आठवीं और नौवीं शताब्दी का जो एक कुरान का एक पेज एक अंश दिखाया गया है। यस, इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। ये इस्लामिक परंपराएं हैं भारत में। सबसे पहले दक्षिण भारत के पश्चिमी हिस्से पर जो वर्तमान केरला के हिस्से में जो है इस्लाम का आगमन हुआ। ये जो केरला का बहुत ही पहले से जो है वो अरबों से संपर्क था और इस तरह जो है इस्लाम का आगमन सबसे पहले भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में हुआ। उत्तर भारत में इस्लाम का प्रवेश जो है वो खलीफाओं के धर्म विस्तार और जो क्षेत्र विकास के कारण सिंध जो है अरबों के आक्रमण का शिकार बना। सिंध को जो है 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर कब्जा किया। इसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण का एक श्रृंखला स्थापित किया। इस प्रकार 1206 में 1206 सी में जो भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसे शासक वर्ग का धर्म शासितों से बिल्कुल अलग था। इस्लाम जो परंपरा के अनुसार जो इस्लामिक शासक होते हैं वो उलेमाओं के जो के परामर्श या उनके अनुसार ही जो है शासन चलाते हैं।
यहाँ पर देखते हैं उलेमा क्या है, अलीम, अलीम इज द स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज जो 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 उलेमा जो है, उलेमा इज द प्लूरल ऑफ अलीम, अलीम का प्लूरल जो है उलेमा है। ये उलेमा जो हैं वो इस्लाम धर्म के जो संरक्षक माने जाते हैं, इस कारण वो धार्मिक कानूनी और जो शिक्षण कार्यों को बहुत बखूबी निभाते हैं। जो मैं बता रहा था कि जो जो इस्लामिक शासक हैं वो उलमा के जो परामर्श के अनुसार शासन चलाते थे, उलमा जो चाहते थे कि वो शरिया के अनुसार, शरिया का जो कानून के अनुसार शासन हो। भारत में ये संभव नहीं था, भारत में जो अधिकतर जो अधिकांश लोग जो थे वो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले के नहीं थे। भारत में हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था, जिम्मी जो है ये अरबी शब्द, अरबी वर्ड, वर्ड जिम्मा से निकला है। अरबी वर्ड जिम्मा से निकला है, तो जिम्मा वो लोग होते हैं जो मुस्लिम शासक के जो शासन को स्वीकार करते हैं और अपने धर्म के संरक्षण के लिए कर देते हैं, जिसे जिजिया कहा जाता है, जजिया कहा जाता है। ऐसे लोगों को जो है जिम्मी कहते हैं। जो इस्लामिक जगत में यहूदी और जो ईसाइयों को जिम्मी कहा जाता था, भारत में जो जो इस्लाम के शासन स्थापित होने के बाद हिंदुओं को भी जिम्मी कहा जाने लगा। लेकिन भारत में जो शासक थे वो बहुत ही नरमी व्यवहार जो है अपनाते थे, इस जो बहुत ही सुंदर जो लोग जो है नरम का व्यवहार अपनाते थे। कहीं शासक ऐसे थे जिन्होंने जो है जो जजिया को समाप्त कर दिया, जैसे अकबर का नाम आता है। कुछ जो अकबर थे उन्होंने सभी धर्मों के लिए देवालयों की स्थापना के लिए भूमि अनुदान दिए। इसी प्रकार उन्होंने जो है दूसरे जो धर्म हैं जो यहूदी, हिंदू, आपका बौद्ध, जैन इत्यादि धर्मों के लिए देवालयों की स्थापना के लिए धन भी दिया गया। एक उदाहरण हमें मिलती है जो कंबात है, वहाँ पर एक जो गिरजाघर स्थापित करने के लिए जब उनसे गुजारिश की गई तो उन्होंने उन्हें इसके लिए धन देने का फरमान जारी किया। अब आते हैं पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, भारत में इस्लाम धर्म के शासन स्थापित होने के बाद जो जो परिवर्तन हुए उसे केवल शासक वर्ग भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि दूसरे लोग जो हैं वो किसान हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे व्यापारी हो, हर कोई जो है उससे प्रभावित हुआ।
जो इस्लाम को काबिल जो कबूल करने वाले जो लोग थे उनके लिए जो सार्वभौमिक जो सिद्धांत हैं इस्लाम के उनको मानना अनिवार्य था, जैसे फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम, फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो स्तंभ थे। पहला क्या है कि ईश्वर एक है, वो अल्लाह है, पैगंबर उसके दूत, हर मुसलमान को मक्का की ओर मुंह करके जो है 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए, जकात देना चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और जीवन में एक बार जो है मक्का मदीना की यात्रा करना चाहिए। ये 5 जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं इनको पालन करना जो मुसलमानों के लिए अनिवार्य था। इन सार्वभौमिक जो सिद्धांत हैं इनका जो प्रयोग हैं उसमें भिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण है सांप्रदायिकता और लोकाचारों का प्रभाव। जो ये ऐसे हम देखें तो खोजा जो इस्माइली जो लोग हैं उन्होंने अपने कुरान का प्रचार करने के लिए स्थानीय साहित्यिक विधा का सहारा लिया, यानी स्थानीय भाषा का जो सहारा लिया। इसी प्रकार हम दक्षिण भारत में आकर देखें तो जो दक्षिण पश्चिम के जो लोग हैं जिसने इस्लाम को कबूल किया उन्होंने जो है मलयालम को जो है स्वीकार किया। इसी तरह मातृगृहता जो ट्रेडिशंस हैं उनको भी जो परंपरा है उसको भी जो है स्वीकार किया। मातृगृहता मतलब मैट्री लोकल इसमें जो है जो विवाह के बाद महिला अपने मायके में रहती है जहाँ पर पति आकर रहते हैं इसको मैट्री लोकल जो है कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सल आइडियल्स एंड लोकल ट्रेडिशन इन मॉस्क आर्किटेक्चर, जो मस्जिदों के स्थापत्य में जो है स्थानीय प्रभाव देखने को मिलता है। ये दोनों का सम्मिश्रण होता है, सार्वभौमिक तत्व और स्थानीय जो प्रभाव जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो मंदिरों के निर्माण में जो सार्वभौमिक तत्व जो हैं वो जो इमारत का मक्का की ओर अनुस्थापन, आपका मेहराब जो प्रार्थना का आला और मीनार, ये तो सार्वभौमिक चीज़ें हैं, ये सभी मस्जिद में होती है। लेकिन इनके जो निर्माण प्रक्रिया में छतों में भिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि स्थानीय प्रभाव और स्थानीय जो सामग्री है उनका प्रयोग और स्थानीय कार्यक्रम का प्रयोग। मैं यहाँ पर 3 मस्जिद आपके सामने रख रहा हूँ। पहला मस्जिद जो है वो केरला की है, यस, इसकी स्थापत्य कला को देखिए। इसके जो स्थापत्य आर्किटेक्चर में जो स्थानीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसकी शिखर की जो संरचना देखिए कि जो मंदिरों में इस प्रकार की शिखर की जो है केरला में जो है प्रचलन था, इसका प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरी मस्जिद आपकी जो है आतिया जो मस्जिद है जो बांग्लादेश में, इस मस्जिद को आप देखिए, यहाँ पर जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके गुंबद आपके मीनार ये कंप्लीट इस्लामिक आर्किटेक्चर है, लेकिन इसका जो स्थानीय जो सामग्री है ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तीसरी जो है वो कश्मीर की जो है जो मस्जिद है, ये शाह मदान मस्जिद जो कश्मीर की स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। ये कश्मीर की जो स्थापत्य जो आर्किटेक्चर का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ये मस्जिद जो है 1395 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे जो स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो मंदिरों जो
जो मस्जिदों का जो प्रभाव जो आर्किटेक्चर है इसमें जो है भिन्नता दिखाई देती है, स्थानीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं नेम्स फॉर कम्युनिटीज एंड कल्ट्स, नेम्स फॉर कम्युनिटीज एंड कल्ट्स। जिस प्रकार आज हम इन शब्दों को देखते हैं, हिंदू शब्द को देखते हैं, मुसलमान शब्द को देखते हैं, यदि हम 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी का जो समय है यहाँ पर इन देखें तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। इस समय का जो जितने साहित्य हैं, चाहे वो संस्कृत का साहित्य हो या फिर वो जो शासकों का साहित्य हो, तो उनको देखने से इन शब्दों को नहीं मिलता है। वास्तव में इस समय जो है इस जन्म स्थान के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। उदाहरण के लिए कोई जो अगर तुर्की से आया तो तुर्क कहा जाता था, अगर वो तजाकिस्तान से हैं तो तजिक कहा जाता था, वो पर्शिया से है तो पारसिक कहा जाता था। जन्म स्थान के आधार पर जो है वर्गीकरण किया जाता था। इसके अतिरिक्त जो प्रवासी हैं उनके लिए जो है मलेच शब्द, मलेच शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये मलेच उन लोगों के लिए किया जाता था जो हम जो 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 यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे और जो जो संस्कृत से जो उत्पत्ति हुई भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त जो है जो आपके जो हिंदू शब्द, इसका भी संप्रदाय के अलावा अन्य प्रयोग किए जाते थे। अब हम आते हैं जो सूफी मूवमेंट के बारे में जो है थोड़ी सी अध्ययन कर लेते हैं। 10वीं शताब्दी का समय जो है इस्लाम के इतिहास के लिए एक ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय जो है जो रूढ़िवादी विचारधारा और जो सूफिज्म का जो है उदय हुआ। जो सूफिज्म का जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं ये जो शब्द है वो सफा से हुआ है। सफा का अर्थ होता है प्योर। कुछ विद्वानों का यह मानना है ये शब्द जो है वो सूप से हुआ है, का अर्थ होता है ऊल, क्योंकि ये जो सूफी मत का प्रचार करने वाला जो संत होते थे वो ऊनी कपड़ा पहनकर जो प्रचार करते थे, शायद इससे हुआ हो। कुछ जो विद्वानों का मत है ये जो है ये शब्द का जो है सोपिया से हो, जिसका अर्थ नॉलेज होता है। कुल मिलाकर हम ये कहें कि सूफी जो है वो संत हैं, जो मुसलमान संत हैं, जो पवित्र और त्याग का जीवन व्यतीत करते हैं और जो ऊनी वस्त्र पहनकर जो है वो अपने मत का प्रचार करते हैं। जो आपके खिलाफत के समय जो धार्मिक और राजनीतिक रूप इतना प्रभाव पड़ गया था कि कुछ आध्यात्मिक लोगों ने एक दूसरा मार्ग अपनाया। उन्होंने रहस्यवादी और वैराग्य जीवन को चुना। इनको हम सूफी कहते हैं, इनको जो है सूफी कहा जाता है। ये जो सूफी हैं वो जो धर्मावलंबियों द्वारा किए गए कुरान और हदीस की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, ये अपने जो अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या करते हैं। ये जो है पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल
मानते हुए उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। सूफिज्म में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो सूफिज्म का जो सारे आप जो साहित्य का अध्ययन करने के बाद में आपको सूफी वर्ड शब्द नहीं मिलेगा, वहाँ तसाउफ शब्द मिलती है जी सूफिज्म के लिए। ये इस यही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम टीचिंग्स ऑफ जो जो टीचिंग्स ऑफ सूफिज्म पर आते हैं। टीचिंग्स ऑफ सूफिज्म, सूफिज्म की शिक्षाएं क्या है? सूफिज्म बिलीव इन मोनोथिज्म। सूफी जो है वो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो एक अल्लाह पर विश्वास करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र व्याप्त है, वो इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। दूसरी उनकी जो शिक्षा है कि एब्सोल्यूट सरेंडर, अल्लाह के सामने कंप्लीट अपने को समर्पण कर देना चाहिए, तभी जो है जो जो ईश्वर की जो हम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जो जो सूफिज्म की जो तीसरी जो टीचिंग्स हैं, जो इसमें पीर को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पीर जो है वो मुरीद के जो अंदर के जो अंधकार है उसको समाप्त करता है और उसको जो है प्रकाश की ओर जो है अग्रसर करता है। तो इस प्रकार जो सूफिज्म में जो है पीर का अत्यधिक महत्व है, और जो जो सूफिज्म में जो है इबादत पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इबादत मतलब दिन में 5 बार नमाज अदा करना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, ज़कात देना, ये इसके पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। जिसका पांचवा जो जो शिक्षा है कि ग्रेट एम्फेसिस ऑन सेइंग नमाज विद अ प्योर हार्ट, आप नमाज जो अदा करते हैं उसको शुद्ध हृदय से जो है अदा किया जाए, वही शब्द जो है अल्लाह तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो शिक्षा है, अल्लाह इज फुल ऑफ मर्सी एंड कंपैशन, जो अल्लाह है वो अत्यंत जो है दयालु है, हमें उनके प्रति कंप्लीट जो है समर्पण होना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट जो है जो जो शिक्षा है उनकी, रिनन्सिएशन ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, संसारिक मोह से मुक्ति, उनकी संसारिक चीज़ों से हम अलग होकर ही अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो सूफी जो संत होते हैं वो जो आप जो संन्यास की जीवन बीते हैं, एक संत की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, वो जो संसारिक जो बंधनों से मुक्त होते हैं। डिवोशनल म्यूजिक एज मीन्स ऑफ रीचिंग अल्लाह, अल्लाह तक पहुंचने के लिए जो जो भक्ति जो गीत हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो डिवोशनल सॉन्ग से भक्ति जो गीतों से जो हमारे अंदर एक जो जो भक्ति की भावना सृजित होती है या बनती है। इसके अतिरिक्त जो भक्ति गीतों से हमारे अंदर जो अंधकार रहते हैं वो मिटते चले जाते हैं। ये जो लास्ट जो पॉइंट है वो इस जो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सूफिज्म में कि ये शिक्षा दी जाती है सभी जो मनुष्य हैं वो ईश्वर के जो है बंदे हैं। अभी मनुष्य की सेवा जो है ईश्वर की सेवा, इसीलिए जो आपके जो सूफिज्म में जो खानकाह में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, यहाँ पर सभी लोग जो है पीर की जो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सूफिज्म इन इंडिया। इंडिया में सूफिज्म कब शुरू हुआ? मोहम्मद गजनी के पंजाब विजय के बाद भारत में सूफी संत का आगमन शुरू हुआ। सबसे पहले लाहौर में हुआ। जो पहला जो सूफी संत था वो था शेख इस्माइल।
उसके बाद जो 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 आए थे उनका नाम है, उनका नाम है उजवीरी। ये उजवीरी जो साहब लाहौर आए और उनका मकबरा भी लाहौर में है। इनकी जो है, इन्होंने एक किताब लिखा, वो किताब का है कस्ब, कस्ब उल महजूब। इससे जो है आपके पूरे जो सूफी संत, जो संत भारत की क्या स्थिति थी, और ये जो दूसरे देश भारत के बाहर जो सूफीज्म का क्या व्यवहार था, और इसके बारे में डिटेल्ड हमें जानकारी मिलती है। तो इसके यहाँ पर हम ये विराम देता हूँ। इस पार्ट से ज़्यादातर एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ प्रश्न आपके लिए लाया हूँ, जो जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द भक्ति मूवमेंट, व्हाई डू थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज विजिट दरगाहस ऑफ मुस्लिम सेंट्स, नेम टू मोस्ट प्रोमिनेंट शेख्स ऑफ चिश्ती, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ दातागंज बख्श, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिलसिला इन सूफिज्म, what is meant by jimmi, what do you understand by the term jizya, what do you mean by sharia, and who were the ulema, who was muhammad bin कासिम। इस प्रकार के एक नंबर के क्वेश्चन आप पाठ को पढ़कर तैयार कर सकते हैं, और जो इसे आपको जो है और बेहतर ढंग से पाठ को समझ सकते हैं। मैं इसी के साथ ही ये जो पाठ है इसको यहाँ पर विराम देता हूँ। इसके शेष भाग को जो है अगले भाग में जो है चर्चा की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।